चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। 9-7 बर्नौल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा अगला प्रॉब्लम है। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। बेसिक्स में एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब हमें क्वेश्चन मिलता है हमें ये देखना होता है कि वो क्वेश्चन इन दोनों में से किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर किसी भी एक टाइप का क्वेश्चन है इसका मतलब आपका क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, तो आपको उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए जिस तरीके का हम उपयोग करने वाले हैं वो है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है, जब हमें एक क्वेश्चन मिलता है हमें ये देखना होता है कि वो क्वेश्चन इन दोनों में से किस टाइप को बिलोंग करता है। मान लेते हैं वो इस टाइप को बिलोंग करता है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या वो सच में इस टाइप को बिलोंग करता है। अगर सच में इस टाइप को बिलोंग करता है तो फिर आगे जो भी चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे तुम्हें बस फॉलो करनी है, और कुछ समय के बाद आप ये देखोगे कि आपका क्वेश्चन इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आपका क्वेश्चन इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि ये उसी का टाइप है, राइट। तो अब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो ही चुका है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने एज अ सोल्यूशन लिखी है तुम्हें बस फॉलो करनी है और आंसर निकल जाएगा। सिंपल एज दैट, इजी पीजी। अब एक प्रॉब्लम लेंगे, सारी की सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। अब प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन लीनियर का है या बर्नौलीज का है। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे dx/dy चाहिए या तो मुझे dy/dx चाहिए क्वेश्चन में, दोनों में से एक तो चाहिए। तो अगर सपोज मान लेते हैं अगर इस dx को मैंने इधर शिफ्ट किया ताकि मुझे dy/dx मिले, तो कितना बड़ा खिचड़ी हो जाएगा। मुझे dx को सारे के सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक तो, या तो अगर नहीं भी किया, अगर dx को मैंने इधर शिफ्ट किया और अगर इसको मैंने उधर शिफ्ट किया तो सारा का सारा 1/e आएगा, 1/e आएगा, राइट। मतलब बेसिकली बहुत बड़ा खिचड़ी पक रहा है। एंड एट द अदर हैंड अगर सपोज मैंने इसको इधर लिया तो मुझे कितना प्यारा सा dx/dy मिल रहा है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक स्टेप की बात है और मुझे dx/dy मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं वैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, x³y³ - xy = dx/dy, राइट, सिंपल एज दैट। अब जब एक नॉर्मल इंसान इस चीज़ को देखेगा उसको ये लगेगा कि ये तो इस फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये इस फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस फॉर्म का क्वेश्चन होता था तो dx/dy + px, चलो मान लेते हैं + px, इसको मैंने उधर लेके गया तो that would be +xy, राइट, ये इसको इग्नोर कर दो, एंड इज इक्वल टू क्यू। अब जो p और x है उसमें से जो p है दैट शुड बी फंक्शन ऑफ y, तो चलो यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ y है और x अकेला है, मान लेते हैं ये हमारा px है, बट इज इक्वल टू q है विच शुड बी फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ पे इज इक्वल टू ये है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। और इसीलिए हमें यह भी पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि बर्नौलीज में से भी dy/dx का है या dx/dy का है, तो यहाँ पे dx/dy है तो इस क्वेश्चन के इस फॉर्म में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इस फॉर्म में तो हो ही जाएगा, ओके। तो अभी कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे dx/dy है, dx/dy है, उसके बाद +px है, तो यहाँ पे चलो नहीं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं। हमने बस अभी तक ट्रायल एंड टेस्ट किया, ट्रायल एंड टेस्ट से हमें ये पता चला, तो हमेशा ऐसा करना पड़ता है तुम लोगों को, हम भगवान नहीं है जो चीज़ें हमें स्टार्टिंग में पता चल जाए। सो यहाँ पे x³y³ - xy = dx/dy, राइट। सो अभी dx/dy + px, तो अभी +px के लिए मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो हमारा परफेक्ट +px मिल जाएगा। सो dx/dy + xy = x³y³, राइट। अब ये यहाँ पे देखो मिरेक्युलसली ये जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आ चुका है, dx/dy dx/dy + px, और यहाँ पे वन मोर थिंग, यहाँ पे दो चीज़ें तुम्हें समझने की ज़रूरत है, ये जो p है और ये जो q है दोनों शुड बी फंक्शन ऑफ y, यहाँ पे जैसे ये दोनों शुड बी फंक्शन ऑफ x या कॉन्स्टेंट, यहाँ पे वैसे ये दोनों शुड बी फंक्शन ऑफ y या कॉन्स्टेंट। एंड दूसरी चीज़ जो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है,
क्वेश्चन उसी फॉर्म का है क्या, ये पहचाने का और एक अच्छा तरीका है। तरीका ये है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार तुम्हें चीक चीक के बोलते रहता है कि एक्स क्यूब है, मतलब एक्स रेस टू एन है, एक्स रेस टू एन है, वाई रेस टू एन है, वाई रेस टू एन है, जो कि इधर भी दिया जाता है वाई रेस टू एन, एक्स रेस टू एन। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो या मेकआउट कर सकते हो कि ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमारा इज इक्वल टू रह गया था, तो इज इक्वल टू क्यू विच शुड बी फंक्शन ऑफ वाई, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ वाई, ओके, एंड एक्स रेस टू एन, तो ये एक्स रेस टू एन एग्जैक्टली उस फॉर्म का है। अब हमें पता है कि ये उस फॉर्म का है, तो आगे जो भी चीज़ें मैंने लिखी है तुम्हें बस फॉलो करनी है, आंसर निकालना है। सो डिवाइडिंग बाई एक्स रेस टू एन, डिवाइड बाई एक्स रेस टू एन, अब एक्स रेस टू एन क्या है, ये एक्स क्यूब, राइट। तो हर टर्म को हम एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे, वन अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस अभी एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू दिस अपॉन एक्स क्यूब, दैट वुड बी वाई क्यूब। ये आ गया हमारे पास। अब आगे बढ़ेंगे, पुट वन अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस वन इज इक्वल टू यू, सो पुट वन अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एक्स रेस टू एन क्या था, एक्स क्यूब, राइट, मतलब यहाँ पे थ्री था बेसिकली, तो थ्री माइनस वन दैट इज टू एंड इज इक्वल टू यू। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, सबसे पहले इसको ऊपर ला लेंगे हम लोग, दैट इज एक्स रेस टू माइनस टू इज इक्वल टू यू। अगर इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आंसर आएगा, माइनस टू एक्स एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, माइनस वन माइनस थ्री डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। अब ये जो माइनस टू है उसको मैं उधर लेके जाऊंगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो सबसे पहले एक्स क्यूब को मैं वन अपॉन एक्स, लाइक एक्स रेस टू माइनस थ्री को मैं वन अपॉन एक्स क्यूब भी लिख सकता हूँ, देन डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ये उधर गया तो इट वुड बी माइनस वन अपॉन टू डी यू अपॉन डी वाई, वन अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन डी वाई, वन अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन डी वाई, राइट। तो इसको मैं माइनस वन अपॉन टू डी यू बाई डी वाई से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और इसीलिए आपको पता चला होगा कि मैंने माइनस टू को उधर क्यों लेके गया मैं। एंड सेकेंड इज यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने यू सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ पे मैं यू वाई भी लिख सकता हूँ। तो हम इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस वन अपॉन टू डी यू बाय डी वाई प्लस वाई यू एंड इज इक्वल टू वाई क्यूब, ये हमें मिलेगा। अब यहाँ पे अगर सपोज तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे, लाइक हमारा एक ही पर्पस है, राइट, हमारे क्वेश्चन को इन दोनों में से किसी एक फॉर्म को में लाना, तो क्योंकि हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा। तो अभी ये जो फॉर्म है और ये जो फॉर्म है दोनों फॉर्म काफ़ी सिमिलर है, बट दट एक ही चीज़ थी है कि यहाँ पे माइनस वन अपॉन टू एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अगर सारे के सारे टर्म्स को हम माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये गायब हो जाएगा। तो वही करेंगे, अगर इसको हमने माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो गायब हो जाएगा और हमें मिलेगा डी यू अपॉन डी वाई प्लस माइनस टू वाई यू, राइट, एंड माइनस टू वाई क्यूब, ये होगा। एंड अब ये जो फॉर्म है और ये जो फॉर्म है एग्जैक्टली सेम आ रहा है, बस लाइक एक्स की जगह पे यू है, वेरिएबल चेंज चलता है, ठीक है। सो अभी देखो डी एक्स अपॉन डी वाई डी यू बाई डी वाई वेरिएबल चेंज है, चलेगा एक्स की जगह पे, मतलब वो जो उसका एक्स है ये हमारा यू है, सिंपल एज दैट। सो डी यू अपॉन डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस प्लस देन पी विच शुड बी फंक्शन ऑफ वाई, दिस इज अ फंक्शन ऑफ वाई, तो ये हमारा पी है और एक्स ये हमारा यू है एंड इज इक्वल टू क्यू, क्यू विच शुड बी फंक्शन ऑफ वाई, दिस इज अ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब क्योंकि ये और ये फॉर्म सेम है तो वहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है मैंने एज अ सोल्यूशन तो बस फॉलो करनी है, बट सोल्यूशन के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना जरूरी है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई एंड नाउ वी आर गोना सब्स्टिट्यूट इनटू पी, व्हाट इज पी, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, राइट। यहाँ पे एक स्टेप करके लिखो सेपरेटली, ये की ये पी है और ये क्यू है, नोट्स में अच्छे से लिखा है मैंने। उसके बाद ये पी है, सो यहाँ पे माइनस टू वाई डी वाई and we're gonna solve this minus 2 integration of y with respect to y, that is y square upon 2, and now 2 to cancel and we gonna get minus y square, right? So basically our integrating factor is e raised to minus y square. Now we are gonna write a solution is, we just gonna copy that x, and now right, one more thing, यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मतलब जो उसका x है वो हमारा u है, तो यहाँ पे x की जगह पे u लिखा जाएगा, u इंटीग्रेटिंग फैक्टर
is equals to integration of q into integrating factor and now dy plus c. Now we are just gonna substitute and all that shit. So u, what is u, what is u, where is u? U, no, pq, u, no, 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 u, yeah, yeah, hamara u hai, 1 upon x square, integrating factor, e raised to minus y square, and is equal to integration of q, what is q, pq, this is q, so that is minus 2 y cube. Instead of y cube, I would be writing y square, and एक y मैं उधर लेके जाऊंगा, I mean उधर कहीं लिख दूंगा, ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको बाद में बताऊंगा, into integrating factor, that is e raised to minus y square, और एक y मैं यहाँ पे लिखूंगा, dy plus c, right? अब यह है हमारे पास, अब जब ऐसा situation आता है, जो e के टकले पे होता है, उसको तुम्हें एक variable assign कर देना होता है, so अभी e के टकले पे minus y square है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे put t is equal to minus y square, differentiation करेंगे dt is equal to minus 2 y dy, right? And जो minus 2 है मैं उधर लेके जाऊंगा, that is minus 1 upon 2 dt is equal to y dy, ठीक है? And now अभी यहाँ पे देखो y dy, right? तो इसको हम minus 1 upon 2 dt substitute कर सकते हैं, then माइनस वाई स्क्वायर इसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये भी माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको भी t सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो अभी हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे t लिखेंगे 2t, एंड उसके बाद e रेस टू माइनस, सो e रेस टू t, एंड y dy इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 dt, एंड या प्लस सी. अब ये कट हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता है टी ई रेश टी, एंड यहाँ पे माइनस लिखते थे, ये वाला माइनस इधर, एंड डी टी इज प्लस सी, अच्छे से लिखा. अब इसको सॉल्व किया जाएगा, दैट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, नो नॉट इंटीग्रेशन, वेट अ सेकंड. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे u भी रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी t है. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे u भी रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, और हम t के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. u भी रूल क्या कहता है, u भी रूल को सॉल्व करना है तो उसका शॉर्टकट यूज़ करना पड़ता है, जो कहता है लाइट, LIAT, लॉगरिथमिक, आई कभी आता नहीं है, अल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल. तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि ये दो कौन से टर्म्स है, ये हमारा अल्जेब्रिक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल है. तो क्योंकि अल्जेब्रिक सबसे पहले आता है लाइट में, इसलिए हमारा u है और ये हमारा v है. तो u v रूल क्या कहता है, u को वैसे रखो, t का इंटीग्रेशन, आई मीन सॉरी v का इंटीग्रेशन, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन. इसको अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो आंसर क्या आएगा, 1, और फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन, अगर इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू t, आंसर आएगा e रेस टू t, एंड प्लस सेम आगे पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, बट अगर इसको तुमने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा 0. तो 0 आने वाला लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ख़त्म, एंड उसके बाद प्लस सी. अब यहाँ पे कॉमन लिया जाएगा, दैट इज माइनस ई रेस टू टी एंड टी माइनस 1, ओके, एंड प्लस सी. अब ये आ गया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, री सब्स्टिट्यूटिंग. सो यहाँ पे अभी ये जो है, मतलब लाइक इज इक्वल टू के पहले ये था ना, तो इसीलिए 1 upon x square इंटू ई रेश टू माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, माइनस ई रेश टू टी क्या था, माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, ओके, एंड प्लस सी. अब मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, दैट इज अब अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इट वुड बी वाई स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ई रेस टू माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस सी. अब मैं क्या करूँगा, इसको उधर लेके जाऊँगा, सो दैट इज 1 upon x square इज इक्वल टू, अगर ये उधर गया तो डिवीजन में जाएगा तो दोनों के दोनों कट हो जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस, ये भी अगर उधर गया तो डिवीजन में जाएगा तो दोनों कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, ये अगर अभी उधर गया तो इसके साथ डिवीजन में जाएगा बट मैं उसको ऊपर लेके आऊँगा, तो इट वुड बी ई रेस टू वाई स्क्वायर इंटू सी, राइट, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर.